ओम शांति। आज हम प्रभु प्रेम की अनुभूति करेंगे। आइए अभी चलते हैं एक रूहानी यात्रा पर। ये रूहानी यात्रा हम मन और बुद्धि के द्वारा करेंगे। सर्वप्रथम अपने मन को एकाग्र कर लेंगे और अपने को आत्मा निश्चय करेंगे। मैं एक आत्मा हूँ। इस शरीर से बिल्कुल भिन्न हूँ। मैं दिव्य ज्योति सितारा हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। ये शरीर मेरा एक वस्त्र है। इस वस्त्र को धारण करने वाली मैं एक चैतन्य सत्ता हूँ। ये शरीर तो हड्डी मांस का एक पुतला है। नाशवान है। विनाशी है। और मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। मेरे सघन संपर्क में जो भी आत्माएं आती हैं वो भी चैतन्य शक्ति आत्मा है। मुझे भी हर एक को आत्मिक भाव से देखना है। सभी आत्माएं हैं परम पिता की संतान हैं। मेरे पिता परम धाम के वासी हैं। मैं आत्मा भी वहां की ही रहने वाली हूँ। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मैं आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण कर पाठ बजा रही हूँ। मेरे पिता
प्रेम के सागर हैं। मेरे शिव पिता सत्य हैं, अति सुंदर हैं, कल्याणकारी हैं। वो मेरे मन के मीत हैं, मैं आत्मा भी स्नेह स्वरूप हूँ। मैं सर्व आत्माओं के प्रति निर्मल स्नेह अनुभव कर रही हूँ। मेरे शिव पिता कल्याणकारी हैं। मैं जो हूँ, जैसी भी हूँ, मेरे पिता मुझे बहुत स्नेह देते हैं। महसूस करेंगे मेरे परम पिता परमात्मा मुझ पर स्नेह की वर्षा कर रहे हैं। मैं उनके अति समीप हूँ। मेरे पिता से प्रेम के किरणों की वर्षा मुझ पर हो रही है। अपने सामने देखेंगे मेरे पिता चमकते हुए सूर्य के समान। अति प्रकाशमय लाल लाल सुनहरी किरणों से भरपूर मेरे सामने शोभायमान हो रहे हैं। धीरे धीरे उनसे उनके प्यार की किरणें मुझ आत्मा पर बरसती जा रही है। मैं उनके प्यार में समाती जा रही हूँ। मैं आत्मा जो जन्म जन्म उनके दीदार के लिए, उनका प्यार पाने के लिए कहाँ कहाँ भटकती रही। उनके मिलन
व दर्शन की आशा में मुझ आत्मा ने ना जाने कितने व्रत कितने तीर्थ किए। अब मुझे उनके सत्य स्वरूप का बोध हुआ है। मेरे पिता ने ही मुझे ज्ञान दिया, मुझे मेरी पहचान दी कि मैं शरीर नहीं, इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति हूँ। उन्होंने ही मुझे मेरे घर की स्मृति दी, मैं असल स्वरूप में उनकी संतान हूँ। वो मेरे पिता हैं, मैं आत्मा उनके बिल्कुल समीप हूँ। वे हर परिस्थिति में मेरा साथ देते हैं, मुझे मेरे पिता से सर्व संबंधों का प्यार मिल रहा है। वो मेरे माता पिता बंधु सखा दोस्त का स्नेह दे रहे हैं। मैं उनके प्यार में समाई हुई हूँ। मैं उनके प्रेम से भरपूर हो रही हूँ। उनके स्नेह में अपनी सुध बुध भूल रही हूँ। कितना हल्कापन अनुभव हो रहा है। शिव बाबा, मेरे जन्म जन्मांतर की प्यास बुझा रहे हैं। उनका निस्वार्थ प्यार पाकर मैं आत्मा धन्य धन्य हो गई हूँ। अब मेरे अंदर की सारी विकृतियां दूर होती जा रही हैं। मैं उनके सच्चे स्नेह का अनुभव कर रही हूँ। मैं उनका
हाथ और साथ पा कर के धन्य धन्य हो गई हूँ। अब मैं प्रभु प्रेम से भरपूर होकर धीरे धीरे अपने कर्म क्षेत्र पर वापिस आ रही हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। महसूस करेंगे कि प्रेम की शक्तियाँ मेरे भीतर समा रही हैं। मेरे अंदर का कड़वापन दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव मेरे अंदर से खत्म होता जा रहा है। मेरे अंदर प्रेम की शक्ति का संचार हो रहा है। और धीरे धीरे ये प्रेम की शक्ति मेरी आत्मा से निकलता हुआ चारों ओर के वातावरण में फैल रहा है। अब मैं जिससे भी मिलूंगी सबको निस्वार्थ स्नेह दूंगी, सभी के साथ स्नेह पूर्वक व्यवहार करूंगी। मुझे परमपिता परमात्मा से प्राप्त हुए प्रभु प्रेम को सारे संसार में फैलाना है। सभी को दुख अशांति से मुक्त करना है। तो आज से अपने अंदर पक्का करेंगे कि सबको स्नेह देंगे, तो ऑटोमेटिकली स्नेह मिलता जाएगा। ओम शांति।